कुमारगंज क्षेत्र से आए हुए संभ्रांत सम्मानित सदस्यगण, पत्रकार बंधु, जो पर्यावरण के उपलक्ष्य पर कुमारगंज परिसर में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जो इस जनपद के सबसे लोकप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हैं, मैं महोदय का सादर अभिनंदन स्वागत करता हूं। अयोध्या के संत भी उपस्थित हों, यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं, इसमें महंत रामदास जी का भी स्वागत अभिनंदन वंदन है। सिंह और उनके साथ तमाम प्रोफेसर साहबान जो उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं इसी व्यक्ति पत्रकार बंधुओं जो जिन्होंने प्रेरणा दी कि पर्यावरण को एक अच्छे ढंग से उत्सव के माहौल में मनाया जाए, आज हम सभी लोग उपस्थित हैं। मैं आप लोगों की उपस्थिति देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, और आज हम सभी लोग एक उत्सव के माहौल में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जिस कार्य के लिए उपस्थित है, उस कार्य को अभी थोड़ी देर में करेंगे। मैं इसी क्रम में जा सकता है, इसके संबंध में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से बहुत सारे विद्वान प्रोफेसर हमारे पास उपस्थित हैं, जो अपने ज्ञान से हमें अभी संचित करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित अधिकारी और खासकर इसी पर्यावरण दिवस से और वन विभाग से जुड़े हुए, बहुत ही मैं कहूंगा कि डीएफओ साहब इज वेरी नाइस एंड वेरी हम्बल इन करेक्टर इन नेचर। हमारे महंत जी जो अयोध्या से यहाँ आए, द बिग वे फ्रॉम, मतलब बहुत दूर है वहां से, द बिग डिस्टेंस फ्रॉम फैजाबाद टू हियर इन कुमारगंज। हमारे क्या कहते हैं वाइस चांसलर सर यहाँ पर जो बैठे हुए हैं नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के, निश्चित एसडीएम साहब, सीओ साहब, सभी हमारे प्रोफेसरों के नाम नहीं जानता सॉरी, जो भी प्रिंसिपल आप, और ये छोटी सी बच्ची आकांक्षा स्पेशली फॉर दैट बिकॉज एवरीबॉडी इज लविंग हर एंड सी इज वेरी मच ऑनर्ड बाय दिस प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर बोथ, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा विशेषाधिकार है जिसके पीछे बैठे हुए हैं। सभी बात श्रीनिवास भी, श्रीनिवास होता है, कृष भी होता है, श्री मीन्स मतलब तमाम चीज होता है, कृपा भी होती है, और श्री मीन्स सम्मान भी होता है, एक प्रसिद्धि भी होती है। तो प्रसिद्धि और सब में लक्ष्मी सबसे जुड़ा, और पांडे तो उसका घर नहीं है, तो वेरी वेरी नाइस। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये इसका निवास यहां पर है, तभी इस तरह के आप लोगों का भी निवास है, और फिर वृक्ष तो सुरक्षित निवास करेगा ही यहां पर, और यहां ही निवास नहीं करेगा बल्कि इस पूरे थाना क्षेत्र में, पूरे जनपद में निवास करेगा इसके